नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको दानगिरी जी महाराज की धुनी पर, जहां दुधेश्वर महादेव मंदिर के पास में बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था, जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और कई लोगों ने मौखिक रूप से और व्हाट्सएप वगैरह से सरपंच को अवगत करवाया था। अखबार व न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अवगत करवाया था कि रास्ता बड़ा ख़राब है और देवभूमि होने से वहाँ आने जाने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो आज उस रास्ते का निस्तारण करवाया जा रहा है, उसका काम शुरू किया है। हमने इस संदर्भ में मंडा सरपंच से बात की तो क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनाएंगे। और आइए दिखा दें पूरी रिपोर्ट। लेकिन ये पानी है दानगिरी जी की धुनी पर दुधेश्वर महादेव, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से उसका निस्तारण करवाया जा रहा है। और सर सरपंच है हमारे साथ में, सरपंच साहब बताएंगे ये किस तरह से करवा रहा है, कौन करवा रहा है? और यहाँ पर पहले कुछ दिनों पहले हमारे दैनिक नवज्योति के पत्रकार है हमारे देश के, उनके अखबार में न्यूज आई थी, उस न्यूज को मैंने पढ़ा था। उसके बाद में लोगों के भी दोबारा फोन आए थे मेरे पास, वो समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने भी सांसद MLA यहाँ के पास निजी जो गांव है गुलवाड़ा भक्त राम जी को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज मेरे पास फोन आते ही तुरंत इस पर कार्रवाई की और भामाशाह के द्वारा और भामाशाह के शिव के द्वारा और ये किसी भी से समस्या का निराकरण किया जाए।